हाय एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू यूट्यूब चैनल लुक गॉर्जियस बाय वर्तिका। आज की इस वीडियो के लिए ना मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत अपनी न्यू ड्रेसेस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज इस बार इन क्लोथ्स को मैंने खुद से अपने लिए पिक नहीं किया है। इनफैक्ट स्टाइलनुक के पर्सनल स्टाइलिस्ट ने इनको मेरे लिए पिक किया है। आई एम डेफिनेटली फीलिंग वेरी स्पेशल टुडे एंड आप भी ऐसे ही स्पेशल फील कर सकते हैं। मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेक श्योर टू चेक दैट आउट। ओके कट। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे अपना डाइट पार्ट। इस वीडियो को, स्टाइलनुक वाली वीडियो को कंटिन्यू देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, उसको आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। वर्तिका आनंद चैनल पर है, साथ ही में स्टाइलनुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेक श्योर टू चेक दैट आउट। डे 77, 58.6 kg। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मैंने एक ग्लास पानी पिया। आफ्टर 15 to 20 minutes आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैं बेसन का चीला खा रही हूँ। देखो, इस पूरा हफ्ता ना पार्टी चल रही है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि मैं तड़प के वेट लॉस करते रहूँ, सब लोग खा रहे हैं और मेरे पास खाने को कुछ हो ही ना, मैं भूखी बैठी रहूँ। इट डजेंट वर्क लाइक दैट। सो सब कुछ मैंने ज़रा सा खाया। बाहर का खाना था बट प्रॉपर खाना था इसलिए मैंने खा लिया, ठीक है। बट हाँ, मैंने जो स्वीट डिशेस वगैरह थी, तले हुए गुलाब जामुन, वो सब वो नहीं खाया। जस्ट मैंने ज़रा सा सूप टेस्ट किया, ज़रा सी आइसक्रीम टेस्ट की। रोटी सब्जी चावल मैंने ठीक से खा लिया था अपना पेट भर के, ताकि लंच पूरा हो जाए। एंड बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। मैंने अप्रॉक्सीमेट कैलोरीज लगाई हुई हैं इस दिन की, ज़्यादा ही लगाई हैं, खाया पिया मैंने कम ही है। एंड लंबा दिन था, खुद हम लोग ही पार्टी दे रहे थे, मम्मा के रिटायरमेंट की पार्टी है तो ऑब्वियसली सबको अटेंड करना और सब कुछ, तो काफ़ी टाइम लग जाता। सो इतने में आई हैड वन कॉफ़ी एज वेल एंड फिर बाद में रात को मैंने एक आम खा लिया था एंड आई वॉज डन फॉर दैट डे। डे 78, 58.5 kg। फर्स्ट मील ऑफ द डे मैं 5 भिगे हुए बादाम खा रही हूँ। जिन लोगों को PCOD होता है ना, या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हाई होता है, उनके लिए बहुत अच्छा है ये फर्स्ट मील। देन 10 मिनट के बाद आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैं दाल वाली रोटी खा रही हूँ, जिसको मैंने 1 से 1.5 टीस्पून घी में सेका है। ओके सो अब ऑफिशियल रिटायरमेंट है मॉम का एंड इट्स अ रियली बिग डे फॉर हर। सब लोग समोसे पकौड़े वगैरह सब खा रहे थे। आई डिड नॉट ईट दैट। मैंने सिर्फ और सिर्फ चाय पी थी, दैट्स इट। मैंने बहुत कंट्रोल रखा है यहाँ तक, बट रोज़ इतना ज़्यादा खाना पीना देख कर के मन तो करता ही है। लंच में कड़ी चावल है। कड़ी बनती है ना घर में, गेस्ट आए हुए हैं तो पकौड़े वाली बनी है, तो पहले ही कड़ी मैंने अपनी निकाल ली, इसके पहले कि पकौड़ों का तेल और पकौड़े उसमें जाएं। और बस मैंने साथ में एक छोटा सा पकौड़ा ले लिया, दैट इज़ ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ऐसे एक ले लेता है। नहीं तो पूरी ही तेल वाली कड़ी होती ना, वो बहुत अनहेल्दी हो जाता। सो मैं अपना लिमिट में तरीके से ही खा रही हूँ कड़ी और चावल। ये हमारी रिटायर्ड मम्मा है। ये रिटायर्ड मम्मी के हस्बैंड है जो 5 साल पहले से रिटायर्ड है। ये रिटायर्ड मम्मी की प्यारी सी बेटी है, डॉटर इन लॉ। और ये बेटी क्या कर रही है अभी, ये बहुत सारी बास्केट्स बना रही है। हम यहाँ पे प्रिपरेशंस कर रहे हैं, ये फैमिली वाले गेस्ट्स आने हैं तो उनके रूम्स में ये बास्केट्स रखनी है। 2 घंटे के बाद मैं आई एम हैविंग माई मिड आफ्टरनून स्नैक, जिसमें मैं एक स्मॉल साइज़ का मैंगो खा रही हूँ। फिर ना घर में गेस्ट आने स्टार्ट हो गए थे। भाभी के मायके वाले आए थे एंड भाभी के भतीजे का बर्थडे था। सो केक वेक कट रहा था, पिज़्ज़ा वीज़ा वो सब खा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने बस थोड़ा थोड़ा खाया। आइडियली मुझे रोटी पिज़्ज़ा खाना था, बट ठीक है, चीटिंग की लेकिन बहुत लिमिट में की मैंने। डे 79, पार्टी टाइम। 58.3 kg। वेट कम आ रहा है बड़े दिनों के बाद। वेरी हैप्पी टू सी दैट। जल्दी से बस 57 के पास आ जाए, तसल्ली सी हो जाएगी मुझे। बट हाँ, मुझे आइडियली वैसे मेरी इच्छा ये है कि 55 तक मैं कर लूँ। आज शाम को ना बहुत अच्छा वाला फंक्शन होने वाला है। मेन्यू भी मैंने खुद डिसाइड किया है, तो अपनी सारी फेवरेट चीज़ें रखी हैं, तो आज तो चीटिंग होने ही वाली है, ठीक है। कल तो एक्स्ट्रा हो गई थी, गलत हो गई थी, बट फिर कल मैंने बहुत लिमिट में की थी, बट आज हो सकता है मैं थोड़ी सी ज़्यादा कर लूँ। सो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, लाइक दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैं 2 स्मॉल साइज़ के मैंगोज़ खा रही हूँ। सो आई एम कीपिंग इट लाइट एंड ईजी टू डाइजेस्ट सो दैट बैलेंस आउट हो पाए थोड़ा मेरा डिनर की कैलोरीज। एंड लंच में मैं आलू प्याज का पराठा खा रही हूँ मक्खन के साथ में। वैसे अलग से प्रॉपर राजमा चावल भी बन रहे हैं, बट आई एम नॉट ईटिंग देम बिकॉज मुझे पता है रात को मैंने ज़्यादा खाना है, तो आई एम बैलेंसिंग इट आउट। अदरवाइज तो पूरा दिन का बहुत हैवी खाना है, गेस्ट के हिसाब से मेन्यू है। तो शाम को पार्टी में ना एक तो मैंने मंचूरियन चखे थे, एक आधा और कोई स्नैक था चखा था, पाव भाजी चखी थी, बट मैं चख ही पाई थी, उससे ज़्यादा मैं कुछ खा नहीं पा रही थी। जैसे ही मैं खाती थी ना, मतलब कोई ना कोई आ जाता था और मेरे को जाना पड़ता था। बट हाँ, स्वीट डिशेस मैंने दोनों रज के खाई थी, फ्रूट क्रीम थी, मालपुआ था, लाइक अच्छे से खा लिया था मैंने एक एक पूरा ना, मुझे बहुत पसंद है। और बाकी अदर देन दैट मैंने नॉर्मल ज़रा सा खाना खाया होगा, 2 बाइट पाव भाजी खाई होगी और 2 चम्मच चाउमीन खाई होगी। अदर देन दैट बस बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा लाइक मंचूरियन और चिली चीज़ कुछ होगा स्टार्टिंग में, बस 1-2 चीज़ वो खाई होगी, दैट्स इट, बिल्कुल नन्ना सा। हाँ, कोल्ड कॉफ़ी भी थी, मुझे याद है 2 ग्लास कोल्ड कॉफ़ी ज़रूर पी थी। लेकिन मैंने डे 80 पे आ गई हूँ, अब मैं 58.9 kg एंड बिकॉज अभी मेहमान आए ही हुए हैं और कल रात को भी जीती हुई देर तक सोना हुआ, चाहे मैं भरपेट खा भी नहीं पाई, मैंने बहुत कम खाया था, चख ही पाई थी खाली, बट फिर भी चीटिंग हो गई। एंड अभी बहुत जल्दी उठना ही पड़ता है, जब गेस्ट आए होता है तो सबको ब्रेकफास्ट कराने जाना है, तो दैट इज़ द रीज़न कि वेट ज़्यादा आ रहा है। बाकी मैंने इतना ज़्यादा कुछ खाया ही नहीं है कल कि ये वेट गेन होने वाला चांसेस हों। फर्स्ट मील ऑफ द डे मैं एक बनाना खा रही हूँ। बनाना इज़ रियली गुड अगर आपको ब्लोटिंग हो रही हो तो, एंड रात को अगर अनहेल्दी खाया है और फिर सुबह अच्छे से आप फ्रेश नहीं हो पाए हो, जल्दी उठ गए हो, तो बनाना इज़ लाइक रियली गुड। ऑल्सो इट हेल्प्स इन कर्बिंग शुगर क्रेविंग्स एज वेल, तो अगर आपको शुगर क्रेविंग्स बहुत होती है ना, यू शुड हैव फर्स्ट मील एज बनाना इन द मॉर्निंग। जो नाश्ता प्लान कराया था ना फैमिलीज़ के लिए, वो उसमें भटूरे छोले थे, सैंडविचेस थे, ढोकला था, बट मैं घर से अपनी आटा ब्रेड ले करके गई थी, साइड्स कट करके, वो भी ताकि कम कैलोरी वाला सैंडविच बने, सो आई हैड दैट। एंड ज़रा सा मैंने, लेकिन हाँ, बेसन की एक छोटी सी बर्फ़ी का टुकड़ा, मूंग दाल की बर्फ़ी का टुकड़ा खा लिया था, और ढोकले खाए थे और रसगुल्ला खाया था। देखो, ढोकले हेल्दी होते हैं तो वो खाए, आटा ब्रेड के सैंडविचेस मैंने बनवाए वो खाए, रसगुल्ला और जो बर्फ़ी है, 2000 हेल्दी स्वीट डिशेस। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा चीटिंग चल रही है तो खाना नहीं चाहिए था, बट यार इतनी सारी चीज़ों में ज़रा सा खा लूँ तो मतलब इतना भी नहीं कंट्रोल होता है ना। देन कुछ टाइम के बाद में जब लंच टाइम हुआ तो फिर मैंने बिल्कुल ज़रा से पुलाव खाया, बिकॉज ऑलरेडी इट वॉज़ लाइक हैवी इनफ फॉर मी, जो भी मैंने नाश्ते में खाया था ना। टाइम फॉर इवनिंग स्नैक। इवनिंग स्नैक में मैं अनार खा रही हूँ, ऑल्सो इवनिंग स्नैक में साथ ही में मैं पपाया भी खा रही हूँ। देन 2-2.5 घंटे के बाद में डिनर टाइम, डिनर में मैं उपमा खा रही हूँ, एंड येस इट्स अ ब्रेकफास्ट आइटम, बट एज यू गाइज नो मुझे उपमा बहुत पसंद है डिनर टाइम में। इनफैक्ट करिश्मा कपूर भी उपमा खाती थी। येस, आई एम नॉट करिश्मा कपूर, बट जब सेलिब्रिटीज़ खा सकते, इतने फिट रह सकते, तो हम क्यों नहीं। एंड इन एनी केस उपमा बहुत ही हेल्दी होता है। डे 81 पे आ गई हूँ मैं। आई नो इट वॉज़ अ वेरी अनहेल्दी वीक, तभी 59.2 kg वेट आ रहा है। लास्ट पिछले दिन में भी आई थिंक कुछ ना कुछ मैंने अनहेल्दी खाया है। मेरी कज़न आई थी, मुझे जहाँ तक ध्यान है, और वो शूट नहीं हुआ है, और ओवरऑल था तो बाहर कहीं ना, चाहे नाश्ता मैंने हेल्दी खाया या कुछ भी, और उसके पहले वाले दिन भी चीटिंग हुई है, तो वो वेट शो अप हो रहा है। बट आज मैं बहुत हेल्दी डाइट फॉलो करूँगी। फर्स्ट मील ऑफ द डे मैं एक बनाना खा रही हूँ। देन आफ्टर 15-20 मिनट्स आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैं उपमा खा रही हूँ। देन 2 घंटे के बाद में मिड मॉर्निंग स्नैक का टाइम। मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं एक छोटी कटोरी दही की खा रही हूँ। घर की जमी हुई दही है, गाय के दूध की, 100 ग्राम्स ली है मैंने। देन लंच टाइम, लंच में मैं रोटी, आलू, शिमला मिर्च, टमाटर की सब्ज़ी खा रही हूँ। टाइम फॉर माई मिड आफ्टरनून स्नैक। लंच करने के लगभग 2 घंटे के बाद में मैं एक ऑरेंज खा रही हूँ। देन 2-2.5 घंटे के बाद में इवनिंग स्नैक का टाइम, एंड बिकॉज मुझे आज बहुत भूख लग रही है तो मैं आटा ब्रेड का सैंडविच खा रही हूँ, जिसमें एक चीज़ स्लाइस है, ज़रा सा बटर है, टमाटर है, खीरा है, एंड आई लव सैंडविचेस, तो समटाइम्स यू कैन डेफिनेटली हैव देम, अब डिपेंडिंग ऑन योर एपेटाइट एंड योर एक्टिविटी लेवल। अभी भी घर में फंक्शन चल रहा है, बस आज समोसे वमोसे आए हुए, मेरे को बस उसे इग्नोर करना था, मेरी फेवरेट वाली जगह के हैं वो भी, तो मैं वो नहीं खा रही हूँ। आई एम हैविंग सिंपल सैंडविच। मैंने टेस्ट भी नहीं किया कुछ भी अनहेल्दी, आज मैं पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज बहुत दिन से घर में फंक्शंस हो रहे हैं, आगे भी होंगे, अभी तो बस अब बहुत हो गया, अभी आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई डाइट वेल। इवनिंग स्नैक के 1.5 घंटे के बाद मैंने 30 मिनट्स के लिए वॉक की, 20-30 मिनट्स के लिए मैंने योगा भी की थी, फिर वो मैंने प्रॉपर वीडियो नहीं शूट किया, बट यस आई डिड दैट। आधा घंटा वॉक करने के बाद आधा घंटा मैंने ओम चैंटिंग, थोड़ी मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग, ये सब किया। आफ्टर दैट आई एम हैविंग माई डिनर। डिनर में मैं खिचड़ी खा रही हूँ, हरी मूंग की दाल और चावल की, जिसमें प्याज का तड़का है और देसी घी का तड़का है। गाय का देसी घी इज़ लाइक रियली गुड फॉर हेल्थ एंड वेट लॉस। डिनर करने के 2 घंटे के बाद मैं मैंगोज़ खा रही हूँ। इस टाइम पर यू कैन डेफिनेटली हैव मिल्क, गाय का दूध पी सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। बट मैंगो सीजन जब तक है तो आई कैन नॉट अवॉइड टेकिंग मैंगोज एंड दे गुड फॉर हेल्थ, तो कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है। इफ़ अगर आप अपनी कैलोरी रेंज में खा रहे हो तो ठीक है। इनफैक्ट मैंगोज हेल्प इन लूजिंग वेट। डे 82 ऑफ माई 100 डेज ऑफ वेट लॉस चैलेंज 58.5 kg वेट हो गया है। जो भी वेट बढ़ा था दो एक दिन चीटिंग करने की वजह से वो वापस से स्टेबल हो गया है, नॉर्मल हो गया है। डाइटिंग का ये मतलब नहीं होता है कि हम ज़िंदगी भर हर एक दिन हेल्दी डाइट ही फॉलो करेंगे। कभी कभी जब घर में फंक्शंस हो, कभी फेस्टिवल्स हो, ओकेजन्स हो, हम चीटिंग कर सकते हैं, वंस इन अ वीक चीटिंग कर सकते हैं। एंड बट हाँ, वापस ट्रैक पे आना बहुत ज़रूरी है, वापस हेल्दी डाइट फॉलो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। I will see you guys in my next video. Till then, take care.